नमस्कार। अभी नए क्वेश्चन मत करिए, कुछ नए क्वेश्चन आए हुए हैं उनके मैं पहले जवाब दे लूं, फिर मैं आपको नए क्वेश्चन का बता देता हूं। ठीक, शेप से संबंधित मैं अभी बताऊंगा, शेप जब है ही तो अभी बाद में भी इसको कर लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन का कहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके जीवन में हल ना हो रहे हो, वास्तु से भी आपको लगता हो कि वास्तुशास्त्री या वास्तु कोई समझ नहीं पाया होगा, या वास्तु में उसका रिजल्ट नहीं आ पाया किसी तरह से। वास्तु किसी को बुखार हो जाए ना, तो आप वास्तु से उसको ठीक नहीं कर सकते, एक दो दिन का बुखार वो एलोपैथी है उसके लिए। ऐसी किसी किसी कोई कोई शास्त्र बना हुआ है किसी किसी समस्या के लिए जो जल्दी ठीक कर देता है उसको, तो वहां उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। आखिरकार हमें प्रॉब्लम को ही तो ठीक करना होता है। कह रहे हैं मेरा सवाल था एनी के टॉयलेट प्रॉब्लम है ये कैसे देखना, एनी के टॉयलेट प्रॉब्लम है ये कैसे देखना, पता नहीं। उनके घर में सबके मुंह पे जो एक होता है तकिया कलाम, वो बोलेंगे पता नहीं, हर बात पे पता नहीं बोलेंगे। आप कुछ भी पूछ लो, आपस में भी बात करेंगे तो पता नहीं बोलेंगे, ऐसे करके आप देख लीजिएगा। समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं, मतलब समझ से संबंधित बातें वो करते रहेंगे। उनका जो वर्डिंग होती है ना उनकी, वो इस टाइप की होगी। फ्लॉपिंग अगर फ्लैट में है तो क्या सेम इफेक्ट होगी? बिल्कुल, फ्लैट तो जमीन तो फ्लैट में भी है ना, खड़े तो हम जमीन पे ही होते हैं, इफेक्ट तो होनी होनी है। सेप्टिक टैंक हम कहां कहां बना सकते हैं? अगर व्यवस्था हो तो WNW के पार्ट में ले जाइए, SSW दिया ही हुआ है एक पद में, वहां पर ले जाएंगे, दूसरे पद में नहीं, एक पद में ले जाएंगे। और किसी वास्तुशास्त्री से दिखवा के करिए, वो लोग आपको ठीक सलाह दे देंगे। और नहीं तो अभी आप अपना मैप यहां पर शेयर कर दीजिए, उसमें बता देंगे आपको कहां कहां पर ले जाना है। नॉर्थ में क्लॉकवाइज स्टेयर है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्या रेमेडी करें? E5 E6 के डोर हैं, किस मेटल से ब्रेक करें? सिम्टम्स आ रहे हैं। नॉर्थ में क्लॉकवाइज स्टेयर्स है, इसके लिए आप पहले समझ लो क्लॉकवाइज स्टेयर्स है। अगर इसका आपको प्रॉब्लम इससे संबंधित आ रही है, तो कुछ साल पहले एक ऐसे स्टेयर पे मैंने काम किया था और वो हो गया था। वैसे स्टेयर के लिए आज मेरी एक सज्जन से बात भी हुई थी और बातों ही बातों में उनसे भी निकल गया था। और ये रेमेडी बहुत अच्छी है स्टेयर्स के लिए, आप कछुए का प्रयोग करें, उसके नीचे दो कछुए आमने सामने वाले कछुए दबा दें। दूसरा है, वो पहला है, ये दूसरा है। आप सीढ़ी होती है ना, एक ऐसी, यहां हम कदम रखते हैं, सीढ़ी होती है एक ऐसी और एक ऐसी, ऐसे करके इस पे हम जिस पे कदम रखते हैं उस पे नहीं, जो सामने ठोकर है, जो सामने ठोकर की जो होती है ना, ऐसे खड़ी हुई सीढ़ी जो होती है, खड़ी ईंट पे जो लगती है, उस पे आप ग्रीन सीनरी लगा दो, वेवी वेवी वाटर के साथ, वाटर चलते हुए वाटर के साथ ग्रीन सीनरी लगा दो आप उस पे, ये बहुत अच्छी रेमेडी है उसकी। आप ग्रीन सीनरी वाला पहले करिए, कछुए वाला उसके कुछ दिन बाद करिएगा, ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मेटल स्ट्रिप ये मैं अभी बताऊंगा आगे, सारी चीजें मैं क्वेश्चन में ही बता दूंगा। वैसे ईस्ट में आपको पहले पट्टी से ब्लॉक कर लो, आप शक्ति चक्रा देख लेना, उसमें जो है सीधी सीधी है, आप शक्ति चक्रा देख लेना। जो अभी तक हमारे हाथ में जो शक्ति चक्रा है वो मैं बता रहा हूँ, वास्तु चक्रा जो बोलते हैं उसको देख लेना, और उसमें आपका जो कलर हो उस कलर से आप उसको ब्लॉक कर लेना। वैसे ग्रीन पट्टी लगा दो, सीधी सीधी फ्लैट पट्टी लगाई जाती है जमीन पे, ऐसे ब्लॉक करने के लिए, एनहांस करने के लिए स्टार्टिंग पे पट्टी लगाते हैं। वास्तु और ज्योतिष का स्टडी किस दिशा में बैठकर करना अच्छा रहेगा? आप किसी से पूछोगे वो बोल देगा WSW दिशा में बैठिए, वहां पर बुक्स रखिए। वास्तु और ज्योतिष की स्टडी आप हमेशा नॉर्थ ईस्ट में बैठ के करिए। स्टडी
आप कहीं भी बैठ के करिए, मेडिटेशन कर लीजिए उससे पहले 10-5 मिनट पहले, और उसके बाद बैठिए। मेडिटेशन नहीं आता है तो वास्तु और ज्योतिष को बाद में पढ़िएगा, पहले मेडिटेशन पढ़िए, सीखिए, समझिए और करिए। मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा घर है, उसकी एंट्री वेस्ट और नॉर्थ दोनों साइड में है, और मेरे घर का एसी एनी दोनों बढ़े हुए हैं, इसका क्या इफेक्ट होगा, आप बताइए। इफेक्ट तो आप ही बता सकते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, कभी भी इस तरह से मदारी गिरी के क्वेश्चन करने नहीं चाहिए, और नहीं तो इसका जवाब भी आपको मदारी गिरी वाला ही मिलेगा। ये क्या है कि आप जब किसी को कहते हैं मेरा ऐसा ऐसा हुआ, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और आप कुछ बोल देंगे कि अभी बारिश का मौसम आने वाला है, इसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डॉक्टर आपको वही बताएगा जो आपको प्रॉब्लम हो रखी है कभी भी। या ब्लड रिपोर्ट आप यूं ही करा के चले जाओगे, ऐसा तो है नहीं, जब कोई प्रॉब्लम होती है तब जाके आप ब्लड रिपोर्ट भी कराते हो और आगे उसका निदान भी मिलता है आपको, ऐसे मत जाइए। मेरे ख्याल से ये जितने भी शास्त्र हैं वो समस्या के समाधान के लिए, यूं ही बना समस्या बना लेने के लिए और उसके समाधान के लिए नहीं है। रूटीन चेकअप जैसे हम लोग बॉडी का करा लेते हैं 6 महीने 1 साल में कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उस हिसाब से आप रूटीन चेकअप में कोई बात कर सकते हैं। रूटीन चेकअप आप पूरे वास्तु को पूरे घर में करा लें, कहां कहां पर क्या, एक बार में सारा कुछ करा लें, प्रॉब्लम है या ना है उस हिसाब से। मगर ऐसे मत कराइए कि इसका क्या इफेक्ट, ये दोनों ही अच्छे हैं ना, एनई और एसई दोनों बढ़े हुए हैं तो दोनों अच्छा है, बुरा क्या है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सेप्टिक टैंक नॉर्थ का सर्जरी कैसे करना है, पहले तो आप ये देखिए एग्जैक्ट कि नॉर्थ में ही सेप्टिक टैंक है या नहीं है, कौन से पद में आ रहा है नॉर्थ में, नॉर्थ में भी आ रहा है तो कौन से पद में आ रहा है, कौन से देव पर आ रहा है, मतलब पद का मतलब ये है कि नॉर्थ में आपके N4 या N5 में आ रहा है, आप इस भाषा में समझेंगे तो ऐसे समझिए। और उसके बाद इसकी रेमेडी करिए, सर्जरी तो आपको पता है, उसको कट करते हैं सिल्वर वायर से, उसको कट करेंगे वायर से करिए या स्ट्रिप हो उससे कट करिए, 2 पिरामिड लगा दीजिएगा दोनों सिरे पे और वहां से कट करिए, चारों तरफ उसको कट कर देंगे तो ये माना जाता है कि उसके अंदर एनर्जी नहीं जाती है, चारों तरफ से एनर्जी उसके अंदर नहीं जाती है, वो स्थान उस प्लॉट में अब नहीं है, ऐसा माना जाता है। बाकी आप मैप शेयर करिए तो उसमें बता देंगे किसमें है। झाजी वेस्ट फेस हाउस में ड्रेन वाटर आउट पाइप बाथरूम एंड टॉयलेट W3 to W8 किसे पॉइंट से निकालना अच्छा रहेगा, थैंक्स इन एडवांस। जी आपको भी वेलकम। अगर आउटसाइड में पाइप है तो उसको निकालने की आपको जरूरत क्या पड़ रही है, या वो पाइप देखते के डेली आप प्रॉब्लम को बुला रहे हैं, आउटसाइड में पाइप होने से कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं। आप अगर प्रॉब्लम बार बार बुलाएंगे कि ये वास्तु में लिखा हुआ है, वास्तु में आउटसाइड के लिए नहीं लिखा है, आंशिक कुछ होता भी है तो उतने पे आप ध्यान मत दो, जाओ मत, इतनों को तो झेल जाया करो। कई बार सर्दी जुकाम ऐसी होता है तो हम डॉक्टर पे जाते भी नहीं, यही ये चीजें यही है कि कई बार जो मौसमी बीमारी हो जाए ना तो वहां हम डॉक्टर पे नहीं जाते हैं, ये जो ये सारी चीजें वही है, ऐसी ऐसी चीजों में आप डॉक्टर पे मत जाइए। वैसे भी आउटसाइड वाला आपको कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है, अगर इफेक्ट दे रहा है तो बोलिएगा, इसमें उसका करेंगे आगे। किसे पॉइंट से निकालना अच्छा रहेगा, ये मेरे समझ में नहीं आया कि पाइप्स हैं क्या, और भी बहुत सारे पाइप्स हैं या एक पाइप है, अगर पाइप्स को निकालना पड़े, किसे पाइप्स को निकालना पड़े इसे, तो आप SW3 से W8 तक है तो W3, 4, 5 को निकाल दीजिए, बाकी को आपको निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 6, 7, 8 और 1 रोग तक में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप यही कर लीजिए।